दोस्तों बॉयस विल्यूज यूनिवर्स नाम की एक, एक अपकमिंग सीरीज हमें देखने को मिलने वाली है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है नेटफ्लिक्स पर यानी नेटफ्लिक्स पर ही हमें देखने को मिलेगी तो आज की इस वीडियो में हम इसी एक तरह से सीरीज़ के बारे में आपको सारी कुछ जानकारी देंगे जैसे कि इसका प्री प्रोडक्शन रिलीजिंग कास्टिंग और और भी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको देने वाला हूँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेलाइकन दबा कर से एल्पो सेट कर लीजिएगा इसके बारे में आप जानना चालू करते हैं बॉयस वैलोज यूनिवर्स प्रिंट डाल्टन के इसी नाम के अर्ध आत्मकथात्मक उपन्यास पर आधारित नेटफ्लिक्स के लिए 2024 में आने वाली एक आधुनिक टेलीविजन सीमित श्रृंखला है जॉन कोली द्वारा लिखित कहानी एक कामकाजी वर्ग के युवा अलाई बेल के इर्द गिर्द घूमती है जो अपनी मां को खतरे से बचाने के लिए ब्रिस्बेन के अंडरवर्ल्ड में प्रवेश करता है तीन कास्ट करें लाइल ऑरलिक के रूप में ट्रेविस फीमेल रॉबर्ट बेल के रूप में साइमन बेकर फ्रांसिस बेल के रूप में फोबे टोनकिंग एलाय बेल के रूप में फेलिक्स कैमरून एलाय बेल के रूप में जैक बर्गेस गस बेल के रूप में ली टाइगर हैली स्लिम हॉलिडे के रूप में ब्रायन ब्राउन टाइटस ब्रोस के रूप में एंथोनी लापाग्लिया कैटिलिन जासूस के रूप में सोफी वाइल्ड इवान क्रोल के रूप में क्रिस्टोफर जेम्स बेकर, बिच डांग के रूप में है हाले इस हाक स्ट्रट स्टीवंस क्रिस्टोफर के रूप में पोपी बिरबेक के रूप में डेबोरा मेलमैन टेडी के रूप में बेन ओटूल पीसी डेली के रूप में एमिली एस्केल डैरिन डांग के रूप में जाचरी वान शेली हफमैन के रूप में मिली डोनाल्डसन सत्रह वर्ष शेली हफमैन के रूप में एलोइस रोथफील्ड तेरह वर्ष मैथ्यू नाइट जेल गार्ड बोगो रोड जेल के रूप में टिच के रूप में ड्रू मैथ्यूज एपिसोड्स नहीं शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित मूल रिलीज दिनांक चार एक टीबीए भरत नल्लूरी चार टीबीए ग्यारह जनवरी 2024 उत्पादन विकास बॉयस वैलोज यूनिवर्स के टेलीविजन रूपांतरण अधिकार एनोनिमस कंटेंट चैप्टर वन और हॉपस्कॉच फीचर्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे जहां ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता और निर्देशक जोएल एडगर्टन निर्देशन करने के लिए तैयार हैं पांच चार मार्च 2022 को यह घोषणा की गई कि नेटफ्लिक्स द्वारा एक आठ एपिसोड की सीमित श्रृंखला शुरू की गई थी जिसमें एडगर्टन कार्यकारी निर्माता बने रहे एडगर्टन के साथ जुड़कर कुछ कार्यकारी निर्माताओं के बारे में पता चला है कि वे ब्रोहाहा एंटरटेनमेंट के ट्रॉय लूम और एंड्रयू मेसन चैप्टर वन की सो फी गार्डनर और एनोनिमस कंटेंट के केरी कोहानस की रॉबर्ट्स और टोबी बेंटले हैं छ सात आठ कास्टिंग 31 अगस्त 2022 को यह खुलासा हुआ कि फेलिक्स कैमरून मुख्य किरदार एलाय बेल की भूमिका निभाएंगे यह भी पता चला कि ली टाइगर हैली क्रेविस फीमेल साइमन बेकर फोबे टोनकिन, ब्रायन ब्राउन एंथोनी लापाग्लिया और सोफी वाइल्ड श्रृंखला के मुख्य कलाकारों में शामिल हो गए इसके अलावा क्रिस्टोफर जेम्स बेकर हैहहा डेबोरा मेलमैन बेन ओटूल जाचरीवान मिल्ली डोनाल्डसन एलोइस रोथफील्ड और ड्रू मैथ्यूज को भी भूमिकाएं मिली हैं नौ दस फिल्मांकन 2023 में ब्रिस्बेन में बॉयस वेलोज यूनिवर्स टीवी श्रृंखला के लिए बस स्टॉप विज्ञापन 31 अगस्त 2022 को यह पता चला कि शेली फार्थिंग दावे श्रृंखला के मुख्य छायाकार के रूप में काम करेंगे नौ दस श्रृंखला के लिए मुख्य फोटोग्राफी कथित तौर पर अगस्त 2022 में शुरू हुई जिसका फिल्मांकन ब्रिस्बेन में शुरू हुआ ट्रेंट डाल्टन जन्म 23 अप्रैल उन्नीस एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार और साहित्यिक कथा लेखक हैं एक जीवन और कैरियर डाल्टन का जन्म इप्सविच क्विंसलैंड में हुआ था जो चार बेटों में सबसे छोटे थे दो तीन उन्होंने अपना प्रारंभिक बचपन अपनी माँ और सौतेले पिता के साथ ब्रैसल में रहकर बिताया दो दोनों ने हेरोइन बेची और जेल में समय बिताया चार जब वह सात साल का था तो उसकी माँ को नशीली दवाओं की तस्करी के आरोप में दो साल के लिए जेल भेज दिया गया था डाल्टन ने अगले बारह महीने अपने नाना नानी के साथ रहकर बिताए पांच उसके बाद वह अपने पिता के साथ ब्रिस्बेन के उत्तरी बाहरी इलाके ब्रैकेन रिज में एक हाउसिंग कमीशन हाउस में रहते थे छह सात अपनी किशोरावस्था में कुछ वर्षों तक डाल्टन और उसका एक भाई उसकी मां के साथ रहे पांच हाई स्कूल के बाद डाल्टन ने एक वर्ष के लिए दक्षिणी क्विंसलैंड विश्वविद्यालय में पत्रकारिता का अध्ययन किया फिर एक वर्ष के लिए क्विंसलैंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आठ छह उनकी पत्नी फियोना से उनकी दो बेटियां हैं तीन क्यूयूटी ट्यूटर द्वारा सिफारिश किए जाने के बाद डाल्टन को 2000 में ब्रिस्बेन न्यूज एक मुफ्त साप्ताहिक पत्रिका के लिए एक लेखक के रूप में नियुक्त किया गया था तीन सात इसके बाद उन्होंने द कुरियर मेल के लिए एक पत्रकार के रूप में काम किया तीन अगस्त 2021 तक वह द वीकेंड ऑस्ट्रेलियन मैगजीन के लिए एक स्टाफ लेखक के रूप में काम करते हैं नौ no. दो में डाल्टन ने डेटर्स स्टोरीज फ्रॉम द स्ट्रीट नामक पुस्तक प्रकाशित की जिसमें 20 लोगों के प्रोफाइल शामिल थे जिनका उन्होंने साक्षात्कार लिया था जो सड़क पर रह रहे थे या बेघर होने के जोखिम में थे सात दस 2018 में उन्होंने चार एथ एस्टेट के माध्यम से अर्थ आत्मकथात्मक उपन्यास बॉयस वेलोज़ यूनिवर्स प्रकाशित किया 11 जिसे 2019 माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड के लिए लंबे समय से सूचीबद्ध किया गया था 12 मई 2019 में बॉयस वेलोज़ यूनिवर्स के टेलीविज़न अनुकूलन अधिकार एनोनिमस कंटेंट चैप्टर वन और हॉप फीचर्स द्वारा सुरक्षित किए गए थे तेरह मार्च 2022 में यह घोषणा की गई कि नेटफ्लिक्स द्वारा आठ एपिसोड की एक सीमित श्रृंखला शुरू की गई है चौदह क्विंसलैंड थिएटर कंपनी ने उपन्यास से एक नाटक भी विकसित किया पंद्रह सोलह जिसका प्रीमियर सितंबर 2021 में ब्रिस्बेन फेस्टिवल में हुआ सत्रह 2020 में डाल्टन ने अपना दूसरा उपन्यास ऑलओवर शिमरिंग स्काइस प्रकाशित किया एक आठ दो शून्य दो एक में डाल्टन ने लव स्टोरीज प्रकाशित की जो लोगों के साक्षात्कार से एकत्रित प्रेम कहानियों का एक संग्रह है उन्नीस डाल्टन का तीसरा उपन्यास लोला इन द मिरर अक्टूबर 2023 में जारी किया गया था बीस कार्य फिक्शन बॉयस वेलोज यूनिवर्स हार्पर कॉलिन्स ऑस्ट्रेलिया 2018 हजार अठारह आईएसबीएन सत्तानवे खरब इक्यासी अरब छियालीस करोड़ सात लाख आठ हजार चार सौ पंद्रह हमारे सभी झिलमिलाते आसमान हार्पर कॉलिन्स ऑस्ट्रेलिया 2020 हज़ार बीस आईएसबीएन सत्तानवे खरब इक्यासी अरब छियालीस करोड़ सात लाख तिरपन हजार नौ सौ तीन आईने में लोला चौथा एस्टेट 2023 आईएसबीएन तेईस सत्तानवे खरब इक्यासी अरब छियालीस करोड़ सात लाख उनसठ हजार आठ सौ नॉन फिक्शन चक्कर सड़क से कहानियां सेलेस्टे डेविडसन 2011 आईएसबीएन सत्तानवे खरब अस्सी अरब चौसठ करोड़ पैंसठ लाख अट्ठावन हजार छह सौ सतहत्तर समुद्र और सितारों द्वारा पहले बेड़े की कहानी चौथा एस्टेट 2018 मूल रूप से द ऑस्ट्रेलियन में एक बहुभाग श्रृंखला के रूप में प्रकाशित प्रेम कहानियां चौथा एस्टेट 2021 हजार इक्कीस आई सत्तानवे खरब इक्यासी अरब छियालीस करोड़ सात लाख साठ हजार नौ सौ बत्तीस पुरस्कार पत्रकारिता पुरस्कार वॉकली पुरस्कार 2011 विजेता होम इज भैयर द हार्ट इसके लिए सामाजिक समानता पत्रकारिता 21 2015 विजेता द घोस्ट ऑफ मुर्रे स्ट्रीट के लिए फीचर राइटिंग शॉर्ट 4000 शब्दों से कम 22 20. 2020 हजार बीस शॉर्टलिस्टेड बैक फ्रॉम द ब्लैक के लिए फीचर राइटिंग लॉन्ग 4000 शब्दों से अधिक उद्धरण वांछित साहित्यिक पुरस्कार ऑस्ट्रेलियाई पुस्तक उद्योग पुरस्कार 2019 विजेता एबीआईए बुक ऑफ द ईयर बॉयस वेलोज यूनिवर्स तेईस दो विजेता लिटरेरी फिक्शन बुक ऑफ द ईयर बॉयस वेलोज यूनिवर्स उद्धरण वांछित 2019 विजेता वर्ष के नए लेखक बॉयस वैलोज यूनिवर्स के लिए मैट रिचेल पुरस्कार उद्धरण वांछित 2019 विजेता ऑडियो बुक ऑफ द ईयर बॉयज वैलोज यूनिवर्स नारस्टिक वेमिस उद्धरण वांछित 2021 हजार इक्कीस लिटरेरी फिक्शन बुक ऑफ द ईयर ऑल आवर शिमरिंग स्काईज चौबीस इंडी बुक अवॉर्ड्स 2019 विजेता डेब्यू फिक्शन बॉयज वेलोज यूनिवर्स 25 2021 हजार इक्कीस फिक्शन ऑल आवर शिमरिंग स्काईज छब्बीस 2022 हजार बाईस शॉर्टलिस्टेड नॉन फिक्शन लव स्टोरीज सत्ताईस अंतरराष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2020 हजार बीस लॉन्ग बॉयस वेलोर्स यूनिवर्स अट्ठाईस मर्ड साहित्यिक पुरस्कार 2019 हजार उन्नीस बॉयस वेलोर्स यूनिवर्स के लिए विजेता उनका पहला साहित्यिक पुरस्कार उनतीस न्यू साउथ वेल्स प्रीमियर के साहित्यिक पुरस्कार 2019 शॉर्टलिस्टेड फिक्शन के लिए क्रिस्टीना स्टीड पुरस्कार बॉयस वेलोज यूनिवर्स के लिए 30. 2019 विजेता बॉयस वेलोज यूनिवर्स के लिए नए लेखन के लिए यूटीएस ग्लेंडा एडम्स पुरस्कार 30. क्विंसलैंड साहित्यिक पुरस्कार 2019 हजार उन्नीस शार्टलिस्टेड बॉयस वैलोज यूनिवर्स के लिए राज्य महत्व के काम के लिए क्विंसलैंड प्रीमियर का साहित्यिक पुरस्कार 31 2019 हजार उन्नीस शॉर्टलिस्टेड बॉयस वेलोज़ यूनिवर्स के लिए कुरियर मेल पीपुल्स चॉइस क्विंसलैंड बुक ऑफ द ईयर अवॉर्ड बत्तीस वॉस साहित्यिक पुरस्कार 2019 हजार उन्नीस शॉर्टलिस्टेड बॉयस वेलोज़ यूनिवर्स जॉन गेराल्ड कोली जन्म 1955 सौ पचपन एक स्कॉटिश बटा ऑस्ट्रेलियाई डॉक्टर उपन्यासकार और पटकथा लेखक हैं जिनकी फिल्में उनके संबंधित निर्देशकों के साथ सह लिखित तीन बार ऑस्कर के लिए नामांकित हुई हैं मास्टर और कमांडर सर्वश्रेष्ठ फिल्म 2003 के लिए नामांकित हैप्पी फीट सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन 2006 और तन्ना 2015 सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फीचर के लिए नामांकित जीता उनकी लिखित या सह-लिखित कई अन्य फिल्मों में क्रिएशन 2013 होटल मुंबई 2018 और आगामीली, 2023 फिल्म शामिल हैं उनके उपन्यास किंग्सलेस टच ए पेपर मास्क और दर्ग वाइकिंग बटा पेंगुइन द्वारा प्रकाशित हैं बॉयस वेलोज यूनिवर्स का उनका टीवी रूपांतरण जनवरी 2024 में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा एक पृष्ठभूमि कोली का जन्म 1955 में इसोबेल और जे गेराल्ड के घर हुआ था जेराल्ड एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर थे दो कोली एडिनबर्ग स्कॉटलैंड और भारत में पले बढ़े तीन उन्होंने एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में चिकित्सा का अध्ययन किया और कैम्ब्रिज बाथ और ब्रिस्टल में चिकित्सा का अभ्यास करना शुरू किया चार अपने अभ्यास के तीसरे वर्ष में उन्होंने मेडिकल थ्रिलर किंग्सले टच लिखी जो उन्नीस में प्रकाशित हुई कोली ने बाद में गैबॉन मेडागास्कर और श्रीलंका में देश और विदेश में आपातकालीन चिकित्सा में काम किया तीन उनका दूसरा उपन यास जिसका शीर्षक ए पेपर मास्क था उन्नीस में प्रकाशित हुआ था उपन्यास के अधिकार एक फिल्म रूपांतरण के लिए हासिल किए गए थे और कोली ने निर्देशक क्रिस्टोफर मोराहन और ग्रेनाडा के लिए पटकथा लिखी थी जिन्होंने 1990 में फिल्म पेपर मास्क रिलीज की थी उनका तीसरा उपन्यास दर प्रकाशित हुआ उन्नीस में कोली द ऑब्जर्वर के लिए एक स्तंभकार बन गए और अगले छह वर्षों तक साप्ताहिक रूप से यात्रा विज्ञान और चिकित्सा के बारे में लेख लिखे तीन पूर्व सोवियत संघ में अज़रबैजान में चिकित्सा आपूर्ति ले जाने के दौरान कोली की मुलाकात अपनी पत्नी डेबोरा स्नो से हुई जो ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन के लिए मास्को स्थित संवाददाता थी अगले वर्ष और सोवियत चिकित्सा के बारे में द किंगडम ऑफ द ब्लाइंड नामक पुस्तक लिखने के बीच में कोली ने सोलोमन द्वीप में एक चिकित्सा पद स्वीकार कर लिया इस जोड़े का पहला बच्चा लॉरेन द्वीपों पर हुआ तीन फिर दोनों ने सिडनी ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले थोड़े समय के लिए लंदन में काम किया जहां कोली ऑस्ट्रेली याई निर्देशकों पीटर वियर और जॉर्ज मिलर के साथ जुड़ गए वियर के साथ कोली ने ऑस्कर नामांकित मास्टर एंड कमांडर द फार साइड ऑफ द वर्ल्ड के लिए पटकथा लिखी और मिलर के साथ उन्होंने ऑस्कर विजेता हैप्पी फीट लिखी चार उन्होंने वार्नर ब्रदर्स के लिए द लीजेंड ऑफ टार्जन 2016 का प्रारंभिक बिना श्रेय वाला ड्राफ्ट लिखा पांच जिसका निर्देशन ग्विलेरमो डेल टोरो ने किया था छह बाद में फिल्म का निर्देशन डेविड येट्स ने किया क्रिएशन ने उन्हें पॉल बेटनी के साथ फिर से जोड़ा और बाद में उन्होंने रसेल क्रो के निर्देशन में द वाटर डिवाइनर का कार्यकारी निर्माण किया तन्ना मानवशास्त्रीय फिल्म निर्माताओं बेंटले डीन और मार्टिन बटलर के साथ एक सहयोग थी जिसे विदेशी भाषा श्रेणी में ऑस्कर के लिए चुना गया था सात वुल्फ टोटेम ने निर्देशक जीन जैक्स एनार्ड के साथ चीनी बॉक्स ऑफिस पर एक मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की होटल मुंबई का सह लेखन करने के बाद जिसमें अभिनेता देव पटेल ने अभिनय किया था उन्होंने निर्देशक के रूप में अभिनेता की पहली फिल्म मंकी मैन में पटेल के साथ सहयोग किया आठ उनका सबसे हालिया सहयोग सह लेखक मैरियन ह्यूम के साथ युद्ध संवाददाता ली मिलर के बारे में फिल्म ली 2023 फिल्म है जिसमें केट विंसलेट ने अभिनय किया है नौ no. जॉन कोली ऑस्ट्रेलियाई उत्पादन कंपनी हॉपस्कॉच फीचर्स के चार सह संस्थापकों में से एक थे दस वह कई वर्षों तक जलवायु कार्यकर्ता समूह 350 सौ की ऑस्ट्रेलियाई शाखा के बोर्ड सदस्य भी रहे ग्यारह और हाल तक ऑस्ट्रेलियन राइटर्स गेट के उपाध्यक्ष फिल्मोग्राफी पटकथा लेखक बर्जरा चार टीवी एपिसोड बीबीसी एक एक नौ आठ आठ एक नौ नौ शून्य स्टार कॉप्स तीन टीवी एपिसोड बीबीसी दो उन्नीस सौ अट्ठासी पेपर मास्क उन्नीस सौ नब्बे कोली के उपन्यास पर आधारित द हार्ट सर्जन दो भाग वाला टीवी धारावाहिक बीबीसी एक उन्नीस सौ सत्तानबे मास्टर एंड कमांडर द फार साइड ऑफ द वर्ल्ड 2003 निर्देशक पीटर बियर के साथ पैट्रिक ओब्रायन के उपन्यासों पर आधारित हैप्पी फीट 2006 निर्देशक और सह निर्देशकों का श्रेय क्रिएशन 2009 हजार नौ रैंडल कीन्स द्वारा चार्ल्स डार्विन की जीवनी पर आधारित डायनासोर के साथ घूमना 2013 वुल्फ टोटेम 2015 निर्देशक और दो अन्य लोगों को श्रेय दिया गया जियांग रोंग के उपन्यास पर आधारित तन्ना 2015 निर्देशकों का श्रेय द पैट्रियार्क 2016 हजार सोलह विटी इहिमेरा के एक उपन्यास पर आधारित बारह होटल मुंबई 2018 कार्यकारी निर्माता गन का बेटा 2014 वॉटर डिवाइनर दो 2014 मेहमान लघु 2015 वर्ष शीर्षक भूमिका बजट 1990 पेपर मास्क लेखक उपन्यास पटकथा 2003 मास्टर और कमांडर दुनिया का सुदूर किनारा लेखक 150 मिलियन डॉलर 2006 कैंडी स्क्रिप्ट संपादक 2006 हैप्पी फीट लेखक 100 मिलियन डॉलर 2009 निर्माण लेखक स्क्रीन कहानी पटकथा 10 डॉलर मिलियन 2013 हजार तेरह वॉक इन विद डायनोसोर लेखक पटकथा 80 मिलियन डॉलर 2014 बदमाश कार्यकारी निर्माता पटकथा सलाहकार लेखक अतिरिक्त सामग्री 2014 हजार चौदह जल देवी कार्यकारी निर्माता 22 मिलियन डॉलर 2015 हजार पंद्रह वुल्फ टोटेम लेखक 38 मिलियन डॉलर 2015 तन्ना लेखक 2016 हजार सोलह पितृसत्ता लेखक पटकथा 2018 होटल मुंबई कार्यकारी निर्माता लेखक 21 मिलियन डॉलर 2023 हजार तेईस राष्ट्र लेखक अंग्रेजी रूपांतरण 2023 हजार तेईस लीटर सह लेखक कहानी एवं पटकथा कार्यकारी निर्माता 2023 बंदर जैसा आदमी लेखक 30 मिलियन डॉलर 2024 फुरियोसा कहानी सलाहकार 135 मिलियन डॉलर 2024 हज़ार चौबीस बॉयस वेलोज यूनिवर्स टीवी श्रृंखला लेखक 8 एपिसोड कार्यकारी निर्माता 8 एपिसोड दोस्तों एपिसोडों की बात की जाए तो इस एपिसोड यानी टोटल इसके अंदर तकरीबन आठ एपिसोड हमें देखने को मिलेंगे और एक तरह से तरसई के साथ ये हमें इस सारे एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं रिलीजिंग डेट इसकी जो रखी गई है 11 जनवरी 2024 हज़ार चौबीस जी दोस्तों 11 जनवरी को इसे वर्ल्ड वाइड रिलीज कर दिया जाएगा और नेटफ्लिक्स द्वारा इसे मल्टीपल लैंग्वेजों में डब करके कर रिलीज किया जाएगा जिसके अंदर हिंदी तो आने वाली है साथ ही साथ और भी कई लैंग्वेज आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से चेकआउट कर सकते हो बाकी दोस्तों इसकी अब कास्टिंग के बारे में थोड़ी और नल्लूरी का जन्म भारत में हुआ था वह अपने परिवार के साथ कम उम्र में इंग्लैंड चले गए और न्यूकैसल अपॉन टाइन में बड़े हुए जहां उन्होंने रॉयल ग्रामर स्कूल न्यूकैसल में पढ़ाई की उन्होंने द नॉर्दर्न स्कूल ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से फिल्म में एम किया है उन्होंने पत्रकार कायली मॉरिस से शादी की है जो यूके के चैनल चार न्यूज के पूर्व वाशिंगटन संवाददाता हैं एक कैरियर नल्लूरी ने एचबीओ के लिए सुनामी दियातर मैथ नामक एक लघु श्रृंखला का निर्देशन किया जिसके लिए उन्हें प्राइम टाइम एनी के लिए नामांकित किया गया था चिबेटिल इजियोफोर सोफी ओकेनेडो टिम रोथ यू बोनेविले और टोनी कोलेट अभिनीत इस दो भाग के नाटक में दिसंबर 2004 में थाईलैंड में हुई दुखद घटनाओं की कहानी बताई गई है इजिओफोर और ओकेनेडो ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ना नामांकन प्राप्त किया जिसे ओकेनेडो ने जीत लिया टोनी कोलेट को, को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब के लिए नामांकित किया गया था 2014 में उन्होंने वार्नर ब्रदर्स और द सीडब्ल्यू के लिए एमी नामांकित टीवी श्रृंखला द एक सौ के लिए पायलट का निर्देशन किया यह फिलहाल अपने सातवें सीजन में है अपने टेलीविजन कार्य के अलावा नल्लूरी ने फिल्म में भी बड़े पैमाने पर काम किया है 2007 में नल्लूरी ने एमी एडम्स और फ्रांसिस मैकडोरमैंड अभिनीत फीचर फिल्म मिस पेटीग्रेव लाइव्स फॉर एडे का निर्देशन किया जो अमेरिका में एक सफल नाटकीय रिलीज थी 2014 में वह स्पूक्स उर्फ एम आई पांच में लौट आए जिसने इस समय तक अपना दसवां प्रदर्शन पूरा कर लिया था सीजन रन फीचर फिल्म स्पिन ऑफ स्पूक्स द ग्रेटर गुड का निर्देशन करने के लिए इसमें किट हैरिंगटन ने अभिनय किया उनकी नवीनतम फिल्म द मैन हु इन्वेंटेड क्रिसमस है जिसमें डैन स्टीवंस क्रिस्टोफर प्लमर और जोनाथन प्राइसे ने अभिनय किया है और इसे नवंबर 2017 में ब्लीकर स्ट्रीट द्वारा रिलीज किया गया था फिल्मोग्राफी पतली परत डाउन टाइम उन्नीस किलिंग टाइम उन्नीस सौ अट्ठानवे द क्रोक साल्वेशन 2000 हजार मिस पेटीग्रेव एक दिन के लिए रहती हैं 2008 हजार आठ स्पूक्स द ग्रेटर गुड दो वह आदमी जिसने क्रिसमस का आविष्कार किया 2017 हजार सत्रह फ्लाविया डी लूस टीबीए दो टेलीविजन नई आवाजें एक नौ नौ चार एक नौ नौ पांच दो एपिसोड शॉकर्स 2001 एपिसोड साइक्लोप्स स्पूक्स दो शून्य शून्य दो दो शून्य एक एक हलचल 2004 हजार चार तीन एपिसोड मंगल ग्रह पर जीवन 2006 हजार छ दो एपिसोड द हंटर्स 2006 हजार छ टीवी फिल्म सुनामी द आफ्टर मैथ दो हजार छ लघु श्रृंखला कामदेव 2009 पायलट एपिसोड बहिष्कृत 2011 हजार ग्यारह दो एपिसोड टॉर्चवुड मिरेकल डे दो हजार ग्यारह एपिसोड द न्यू वर्ल्ड एमईवेंस एम डी दो शून्य एक दो दो शून्य एक तीन पांच एपिसोड द एक सौ दो हजार चौदह पायलट एपिसोड खिलाड़ी दो हजार पंद्रह पायलट एपिसोड मंगल परियोजना दो हजार सोलह अप्रसारित पायलट लिटिल अमेरिका 2020 एपिसोड द काउबॉय शांताराम 2022 हजार तीन एपिसोड पेशेवर दो शून्य दो शून्य दो शून्य दो दो तीन एपिसोड अंतरिक्ष युग के अंतिम दिन टीबीए बॉयस वेलोज यूनिवर्स टीबीए जॉकलिन डेनिस मूरहाउस जन्म 4 सितंबर 1960 एक ऑस्ट्रेलियाई पटकथा लेखक और फिल्म निर्देशक हैं एक दो उन्हें फिल्मों प्रूफ हाउ टू मेक एन अमेरिकन क्विल्ट ए थाउजेंड एकर्स और द ड्रेसमेकर के निर्देशन के लिए जाना जाता है मूरहाउस ने अपने पति फिल्म निर्देशक पीजे होगन के साथ म्यूरियल वेडिंग उन्नीस सौ चौरानवे और मेंटल दो हजार बारह जैसी फिल्मों में भी सहयोग किया है प्रारंभिक जीवन मूरहाउस का जन्म मेलबर्न विक्टोरिया में हुआ था मूरहाउस ने अपना एचएससी वर्ष 1978 में वर्मोंट हाई स्कूल में किया जहां उनकी मां ने कला सिखाई जो वही हाई स्कूल है जिसमें गिलियन आर्मस्ट्रांग ने कुछ साल पहले भाग लिया था इसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई फ़िल्म टेलीविज़न और रेडियो स्कूल एफडीआरएस में दाखिला लिया कैरियर एफटीआरएस में अध्ययन के दौरान ही मूरहाउस ने उन्नीस में पावेन नामक अपनी पहली लघु फिल्म पूरी की उन्होंने उन्नीस में एफटीआरएस से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और टेलीविजन स्क्रिप्ट संपादक के रूप में काम शुरू किया उन्होंने 1988 में एबीसी टेलीविजन के लिए सी बटा और द नामक 12 भाग की श्रृंखला बनाई जो एफ में उनकी लघु फिल्म द सीज ऑफ द बार्टन्स बाथरूम पर आधारित थी उन्होंने जिन अन्य टेलीविजन शो में काम किया उनमें द फ्लाइंग डॉक्टर्स आउट ऑफ द ब्लू ए प्लेस टू कॉल होम और द हम्पटी डम्पटी मैन शामिल हैं तीन मूरहाउस ने उन्नीस सौ इक्यानवे में प्रूफ के साथ अपनी फ़ीचर फिल्म की शुरुआत की चार फिल्म का विचार उनकी दृष्टिहीनता और फोटोग्राफी में रुचि से आया शुरू में उनका इरादा इसे एक लघु फिल्म बनाने का था लेकिन लघु फिल्म के लिए धन जुटाने में सक्षम नहीं होने के कारण उन्होंने इसे एक फीचर फिल्म बनाने का फ़ैसला किया तीन इसका उत्पादन शुरू होने में पांच साल लग गए लेकिन जब इसका उत्पादन शुरू हुआ तो इसका बजट एक दशमलव एक मिलियन डॉलर था उन्नीस की सर्दियों के दौरान मेलबर्न में फिल्म की शूटिंग में छह सप्ताह लगे पांच प्रूफ की सफलता ने मूरहाउस को बड़े और बेहतर अवसर प्रदान किए उन्होंने उन्नीस सौ पंचानवे में हाउ टू मेक एन अमेरिकन क्विल्ट के साथ अपनी पहली हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर प्रदर्शित की एनी बैनक्रॉफ्ट विनोना राइडर केट नेलिगन, डरमोट मुलरोनी और अल्फ्रे वुडार्ड सभी ने फिल्म में भूमिकाएं निभाई जिन्हें मिश्रित समीक्षा मिली पांच छ उनकी अगली फीचर फिल्म उन्नीस में ए थाउजेंड एकर्स थी जो जेन स्माइली के पुलित्सर पुरस्कार विजेता उपन्यास का रूपांतरण थी यह फिल्म एक पिता और तीन बेटियों के रिश्ते के बारे में है जब उनके जीवन में त्रासदी आती है इसमें जेसिका लैंग, मिशेल फिफर जेनिफर जेसन लेह और जेसन रॉबर्ट्स ने अभिनय किया और इसे मिश्रित समीक्षाएं भी मिली। 5 उन्नीस सौ निन्यानवे में होगन और मूरहाउस दोनों ने होगन मूरहाउस पिक्चर्स कंपनी के माध्यम से सोनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए दो हजार बारह में मूरहाउस ने सिडनी थिएटर कंपनी के लिए नाटक सेक्स विद स्ट्रेंजर्स का निर्देशन किया जिसकी ऑनलाइन पत्रिका क्रिकी द्वारा अच्छी समीक्षा की गई नौ द ड्रेसमेकर दो में केट विंसलेट जूडी डेविस लियाम हेम्सवर्थ और ह्यूगो वीविंग जैसे सितारे हैं यह फिल्म रोजली हैन के उपन्यास पर आधारित थी और एक ड्रेसमेकर के बारे में है जो अपनी बीमार मानसिक रूप से अस्थिर मां की देखभाल के लिए ऑस्ट्रेलिया में अपने घर लौटती है दस मूरहाउस ने 2021 में एबीसी टेलीविजन के लिए उत्तरी क्विंसलैंड में स्थापित आठ भाग की टेलीविज़न अपराध नाटक श्रृंखला ट्रोपो का निर्देशन किया श्रृंखला फरवरी 2022 में शुरू हुई सहयोग मूरहाउस उन्नीस सौ चौरानवे में अपने पति की फ़िल्मों म्यूरियल वेडिंग 12 और 2012 में मेंटल के निर्माता थे तेरह और उनकी 2002 की फिल्म अनकंडीशनल लव के लिए पटकथा लेखक थे पांच व्यक्तिगत जीवन मूरहाउस का विवाह फिल्म निर्देशक पीजे होगन से हुआ है उनके चार बच्चे हैं जिनमें से दो ऑटिस्टिक हैं चौदह पंद्रह अप्रैल 2019 में मूरहाउस ने एबीसी टेलीविज़न कार्यक्रम ऑस्ट्रेलियन स्टोरी पर बात की कि उनका रिश्ता कैसे विकसित हुआ और बच्चों के होने से उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा जिसमें अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया वापस जाना भी शामिल है सोलह सत्रह उनका संस्मरण जिसमें मूरहाउस उनके करियर के साथ साथ उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन के बारे में लिखते हैं अनकंडीशनल लव ए मेमोयर ऑफ फिल्म मेकिंग एंड मदरहुड अप्रैल 2019 में प्रकाशित हुआ था 18. फिल्मोग्राफी वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणिया उन्नीस सौ पावने लेखक निर्देशक उन्नीस सौ बार्टन के बाथरूम की घेराबंदी लेखक निर्देशक उन्नीस सौ सबूत लेखक निर्देशक दो उन्नीस उन्नीस सौ चौरानवे म्यूरियल की शादी निर्माता उन्नीस सौ पंचानवे अमेरिकी रजाई कैसे बनाए निदेशक बीस इक्कीस उन्नीस सौ सत्तानवे एक हजार एकड़ निदेशक बाईस दो हजार दो बिना शर्त प्रेम लेखक निर्माता दो हजार बारह मानसिक निर्माता दो हजार पंद्रह दर्जी लेखक निर्देशक तेईस चौबीस टीबीए शानदार चार लेखक निर्देशक 25 पुरस्कार और नामांकन वर्ष पुरस्कार वर्ग शीर्षक परिणाम टिप्पणिया 2015 हजार पंद्रह मिल वैली फिल्म फेस्टिवल श्रोतागण पुरस्कार दर्जी एफसीसीए पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मनोनीत एफसीए पुरस्कार गुणारी सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मनोनीत एफसीए पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ पटकथा एसीटीए पुरस्कार पसंदीदा ऑस्ट्रेलियाई फिल्म के लिए पीपुल्स च्वाइस अवार्ड एसीटीए पुरस्कार सर्वोत्तम दिशा मनोनीत उन्नीस सौ चौरानवे पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म म्यूरियल की शादी जीत गया उन्नीस सौ इक्यानवे साओ पाउलो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आलोचकों का पुरस्कार सबूत जीत गया टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कांस्य पुरस्कार जीत गया शिकागो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सिल्वर ह्यूगो जीत गया कान फिल्म समारोह गोल्डन कैमरा जीत गया दो ब्रिटिश फ़िल्म संस्थान सदरलैंड ट्रॉफ़ी जीत गया एसीटीए पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ पटकथा मौलिक या रूपांतरित जीत गया सर्वोत्तम दिशा जीत गया किम मोरडोंट एक प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई निर्देशक छायाकार और अभिनेता हैं जो वृत्तचित्र पृष्ठभूमि से आते हैं एक उन्होंने यूटीएस प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सिडनी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और लैम्डा लंदन एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामेटिक आर्ट से अभिनय में डिप्लोमा प्राप्त किया दो लोकप्रिय रचनाएं बॉम्ब हार्वेस्ट 2007 हजार एक फीचर लंबाई वाली डॉक्यूमेंट्री को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री आई एफ अवार्ड्स एटीओएम अवार्ड्स और फिल्म क्रिटिक्स सर्कल ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स सर्वश्रेष्ठ निर्देशक एडीजी अवार्ड्स सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी एफ आई अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया था और सर्वश्रेष्ठ फीचर बच्चों के लिए का पुरस्कार जीता था अधिकार हॉलीवुड के आर्टिस्ट अवार्ड्स में द रॉकेट 2013 हजार तेरह ने आक्ता अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा ऑगी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर्स गिल्ड अवार्ड और 2013 सिडनी फिल्म फेस्टिवल में ऑडियंस अवार्ड जीता जॉनी क्लिमेक जन्म 18 अगस्त उन्नीस एक ऑस्ट्रेलियाई संगीतकार संगीत निर्माता और संगीतकार हैं एक दो जो भूमिगत इलेक्ट्रॉनिका संगीत परिदृश्य में अपने अभिनव काम के लिए जाने जाते हैं एक और अपने फिल्म स्कोर के लिए तीन जीवन और कैरियर क्लिमेक का जन्म मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ था उनकी मां लुइसानी सेस्टर जन्म 29 जनवरी 1916 को पासियानो डी पोर्डेनोन में युगल यूजेनिया और अर्नेस्टो सेस्टर की बेटी थीं 1940 की गर्मियों में वह फ्र्यूली वेनेजिया ग्यूलिया को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चली गई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन्होंने अल्फोंस क्लिमेक मृत्यु उन्नीस से शादी की और आठ बच्चों को जन्म दिया यूजेनिया लिडिया नाउमी जन्म उन्नीस सौ तिरपन ग्रेटा अल्फोंस जूनियर रॉबर्ट और जुड़वा बच्चे जेनी और जॉनी जन्म अगस्त उन्नीस सौ बासठ चार उनकी बहन फैनी सेस्टर 1937 में ऑस्ट्रेलिया चली गई और 1940 में रेसिंग साइकिल चालक नीनो बोरसारी से शादी कर ली क्लिमिक परिवार के पोकले और उन्नीस से क्लेटन सहित मेलबर्न के विभिन्न उपनगरों में रहता था क्लिमिक के छोटे चचेरे भाई निक और क्रिस सेस्टर ऑस्ट्रेलियाई हार्ड रॉकर बैंड जेट 2001-12 के मुख्य आधार थे चार उन्नीस में बर्लिन जाने से पहले जॉनी ने कई स्थानीय गैराज बैंड में काम किया जहां उन्होंने अपनी बहन जेनी और भाई अल्फ़ के साथ पॉप रॉक बैंड दी अदर वांस की शुरुआत की वह बर्लिन भूमिगत ट्रांस बटा परिवेश बटा तकनीकी दृश्य में सक्रिय हो गए और एक अल्पकालिक संगीत परियोजना इफ़ेक्टिव फ़ोर्स पर बैंड क्लॉक डीवीए के पॉल ब्राउज के साथ सहयोग किया पांच छे उन्होंने गायिका नीना हेगन के उन्नीस सौ छियानवे दौरे के लिए बास वादक के रूप में काम किया पांच क्लिमेक ने संगीतकार रेनहोल्ड हील के साथ कई फिल्म स्कोर का निर्माण किया है तीन सात जिसकी शुरुआत उन्नीस सौ सत्तानवे की फिल्म विंटर स्लीपर्स से हुई तब से वे इसके निर्देशक टॉम टाइकवर के नियमित सहयोगी बन गए हैं और तब से उनकी लगभग सभी फिल्मों को स्कोर प्रदान किया है जिसमें परफ्यूम स्टोरी ऑफ ए मर्डरर का स्कोर भी शामिल है क्लिमिक की और टाइक्वर को 2012 की महाकाव्य विज्ञान कथा फिल्म क्लाउड एटलस के समीक्षकों द्वारा प्रशंसित स्कोर के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर 8 के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था उन्होंने विदाउट ट्रेस डेडवुड द न्यूज रूम और सेंस आठ जैसी टेलीविजन श्रृंखलाओं रन लोला रन और वन आवर फोटो जैसी थ्रिलर फिल्मों लैंड ऑफ द डेड और ब्लड एंड चॉकलेट जैसी डरावनी फिल्मों और एक्शन फिल्मों में भी काम किया है किलर एलिट और मैं फ्रेंकस्टीन उन्होंने पांच एस पुरस्कार जीते हैं और उन्हें दो सैटर्न पुरस्कार और एक प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है तीन फिल्मोग्राफी फीचर फिल्में वर्ष शीर्षक निदेशक टिप्पणिया उन्नीस सौ सत्तानवे शीतकालीन स्लीपर टॉम टाइकवर उन्नीस सौ अट्ठानवे भागो लोला भागो उन्नीस सौ निन्यानवे पेराडाइज मॉल डी फ्रीडेमैन फ्रॉम दो हजार पैंट में चींटिया मार्क रोटेमुंड राजकुमारी और योद्धा टॉम टाइकवर खुशियों का बंडल डी डेटलेव बक दो हजार एक टैंगल्ड जय लोवी दो हजार दो एक घंटे का फोटो मार्क रोमनेक बैंग बैंग तुम मर गए गाय फेरलैंड 2003 धारा के विपरीत तैरना रसेल मुल्का ही 2004 लौह जबड़े वाले देवदूत काटजा वॉन गार्नियर 2005 सोफी शॉल द दे फाइनल डेज मार्क रोटेमुंड गुफा ब्रूस हंट मृतकों की भूमि जॉर्ज ए रोमेरो देख डॉग्स स्टीव पासवोल्स की 2006 इत्र एक हत्यारे की कहानी टॉम टाइकवर 2007 रक्त और चॉकलेट काटजा वॉन गार्नियर एनामॉर्फ हेनरी एस मिलर 2008 अंधकार स्टीव पासवोल्स की एक मिस कॉल एरिक वैलेट 2009 अंतरराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टॉम टाइकवर 2010 खून से भी मजबूत दी ओलिवर कीले 2013 हजार तेरह वुल्फ क्रीक दो ग्रेग मैकलीन 2014 में फ्रेंकस्टीन स्टुअर्ट बीटी मुझे तीन बार मार डालो क्रिव स्टेंडर्स 2016 राजा के लिए एक होलोग्राम टॉम टाइकवर शंघाई के भगवान शेरवुड हूं ये अंधेरा ग्रेग मैकलीन 2017 है ये पागल मार्क रोटेमुंड जंगल ग्रेग मैकलीन यह कांगो है डेनियल मैककेब 2018 में तोड़ने जेम्स मैकटीग्यू 2021 हजार इक्कीस मैट्रिक्स पुनरुत्थान लाना वाकोवस्की डॉन डेविस द्वारा थी टॉम टाइकवर के साथ रचित 2023 हजार तेईस सप्ताहांत विद्रोही मार्क रोटेमुंड हंस हाफन के साथ रचित टेलीविजन शांताराम एक अमेरिकी ऑस्ट्रेलियाई ड्रामा थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जो एरिक वॉरेन सिंगर और स्टीव लाइटफुट द्वारा बनाई गई है जो ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है एक यह कहानी रॉबर्ट्स के स्वयं के जीवन से प्रेरणा लेती है जो ऑस्ट्रेलिया के एक बैंक लुटेरे के बारे में है जो देश से भाग भारत आ जाता है श्रृंखला में भरत नल्लूरी इयान बी मैकडोनाल्ड और ब्रॉनवेन ह्यूजेस द्वारा निर्देशित 12 एपिसोड शामिल हैं एरिक वॉरेन सिंगर के प्रोजेक्ट छोड़ने के बाद स्टीव लाइटफुट श्रोता के रूप में शामिल हुए यह फेयर ऑनेस्ट पॉजिटिव क्रिएटिव द चार कीज बोहेमियन रिस्क प्रोडक्शंस स्क्वायर हेड प्रोडक्शंस एनोनिमस कंटेंट और पैरामाउंट टेलीविजन स्टूडियो द्वारा निर्मित है और इसे एप्पल इनकारटिड द्वारा उनकी स्ट्रीमिंग सेवा एप्पल टीवी प्लस के लिए वितरित किया गया था श्रृंखला का प्रीमियर 14 अक्टूबर 2022 को हुआ और 16 दिसंबर 2022 को समाप्त हुआ 2 दिसंबर 2022 में श्रृंखला को एक सीजन के बाद रद्द कर दिया गया था तीन कास्ट करें मुख्य डेल बटा बटालिंड से लिनबाबा फोर्ड के रूप में चार्ली हन्नम एक ऑस्ट्रेलियाई पूर्व प्रशिक्षणरत पैरामेडिक जिसे सशस्त्र डकैतियों की एक श्रृंखला के लिए गिरफ्तार किया गया और बाद में जेल में डाल दिया गया जब तक कि वह अंत पेंट्रिज जेल से भाग नहीं गया वह सफलतापूर्वक बंबई, भारत भाग जाता है अपनी पहचान बदलता है और एक वांछित व्यक्ति के रूप में जीवन जीता है वह श्रृंखला के कथावाचक के रूप में भी काम करते हैं लिंडसे का किरदार शांताराम के लेखक ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स के जीवन पर आधारित है फैसलबाजी अब्दुल्ला ताहेरी के रूप में एक ईरानी अंडरबॉस जो अपराध सरगना खादर खान के लिए काम करता है कविता के रूप में सुजिया दासगुप्ता एक युवा पत्रकार जो एक नई कहानी की तलाश में है कार्ला सारानेन के रूप में एंटोनिया डेसप्लेट एक रहस्यमय स्विस महिला और लिन की प्रेमिका जो बॉम्बे के आपराधिक अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई है सेबस्टियन मोडेना के रूप में एल्हम एहसास लिसा का स्पेनिश दलाल और प्रेमी वैली नाइटिंगेल के रूप में डेविड फीड विक्टोरिया पुलिस में एक पुलिस जासूस है जिसने लिन के अपराधों की जांच की और जेल से भागने के बाद उसका पता लगाने की उम्मीद करता है रवि के रूप में मैथ्यू जोसेफ सागरवाड़ा झुग्गी में रहने वाला एक युवा लड़का है जो अपनी मां लक्ष्मी की मृत्यु के बाद अनाथ हो गया है राहल कामत पार्वती के रूप में एक युवा महिला जो सागरवाड़ा झुग्गी में चाय की दुकान चलाती है जिसमें प्रभु की रुचि है सागरवाड़ा स्लम के सम्मानित मुखिया कासिम अली के रूप में एली खान लिसा कार्टर के रूप में इलेक्ट्रा किलबे कार्ला की अमेरिकी दोस्त जो मादक द्रव्यों के सेवन से पीड़ित एक वेश्या है विक्रम के रूप में शिव पालेकर एक बॉलीवुड स्टंटमैन जो स्पेगेटी वेस्टर्न का दीवाना है मॉरिजियो बेलकेन के रूप में ल्यूक पास्कवालिनो, मोडेना का इतालवी मित्र और एक ड्रग तस्कर जो लिन को नापसंद करता है डिडियर लेवी के रूप में विंसेंट पेरेस कार्ला का फ्रांसीसी दोस्त जो विभिन्न अपराधियों के लिए बिचौलिए के रूप में काम करता है प्रभाकर प्रभु खर्रे के रूप में शुभम सराफ एक मिलनसार टूर गाइड है जो सागरवाडा स्लम में रहता है और वह पहला व्यक्ति है जिससे लिन बॉम्बे पहुंचने के बाद मिलता है मैडम झो के रूप में गैब्रियल शार्निस्की द पैलेस की मालिक एक वेश्यालय जो अमीर ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है अब्देल खादर खान के रूप में अलेक्जेंडर सिद्दीक बॉम्बे के सबसे बड़े अपराधियों में से एक है जो शहर के आपराधिक अंडरवर्ल्ड पर नियंत्रण के लिए लड़ रहा है आवर्ती रफ़ीक के रूप में राहेल रोमान एक कठोर अपराधी जो अपराध सरगना वालिद शाह के लिए किताबें चलाता था मेल ओडेड्रा वालिद शाह के रूप में बम्बई में एक अपराध सरगना और खादर खान का प्रतिद्वंद्वी निशांत पटेल के रूप में अर्का दास रमेश के रूप में सुशांत दबने जॉनी सिगार के रूप में सूरज कोलारकर एपिसोड्स इस अनुभाग का कथानक सारांश बहुत लंबा या अत्यधिक विस्तृत हो सकता है कृपया अनावश्यक विवरण हटाकर और उन्हें अधिक संक्षिप्त बनाकर उन्हें बेहतर बनाने में मदद करें अक्टूबर 2022 जाने की इस टेम्पलेट संदेश को कैसे और कब हटाना है एक द बॉम्बे न भरत नल्लूरी एरिक वॉरेन सिंगर और स्टीव लाइटफुट 14 अक्टूबर 2022। डेल कोंटी एक पूर्व एम्बुलेंस ड्राइवर हेरोइन का आदि और बैंक लुटेरा ऑस्ट्रेलिया की पेंट्रिक जेल से भाग जाता है कल्पित नाम लिंड से फोर्ड के तहत बंबई की यात्रा करते समय उसका सामना उत्सुक प्रभु से होता है, जो उसे स्थित होने में मदद करता है और उसे लिन उपनाम से नाम देता है खूबसूरत कार्ला के साथ एक आकस्मिक मुठभेड़ के दौरान लिन को रेनाल्डो कैफे बार में आमंत्रित किया गया जहां शहर के अंडरवर्ल्ड से संबंध रखने वाले कई प्रवासी अक्सर आते थे जिनमें कार्ला फिक्सर डिडियर लिसा नाम की एक कॉल गर्ल और उसके दलाल मॉरिजो और मोडेना भी शामिल थे बम्बई की स्थानीय निवासी कविता एक पत्रकार और विक्रम एक बॉलीवुड स्टंट अभिनेता के रूप में मॉरिजियो द्वारा लिसा को वेश्यालय की मैडम मैडम झो की नौकरी पर रखने के लिए मजबूर करने के बाद जो लिसा की हेरोइन की आदत का शोषण करती थी कार्ला ने लिन से लिसा की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए एक अमेरिकी राजनयिक की पहचान अपनाने का आग्रह किया लिन जो कार्ला के लिए भावनाएं विकसित करना शुरू कर रही है अनिच्छा से सहमत होती है और उसकी योजना सफल होती है कार्ला के अपार्टमेंट से घर लौटते हुए लिन को झों के लोगों ने पीटा और उसके पासपोर्ट और पैसे सहित उसकी सारी संपत्ति लूट ली दो डाउन एंड आउट इन बॉम्बे भरत नल्लूरी एरिक वॉरेन सिंगर और स्टीव लाइटफुट चौदह अक्टूबर 2022 एक पुलिसकर्मी को सड़क पर घबराया हुआ लिन मिलता है जो उसे उसके होटल तक ले जाता है अब वह दरिद्र हो गया है वह सागरवाड़ा झुग्गियों में प्रभु के घर में स्थानांतरित हो गया है लिन कार्ला से मदद मांगता है जो उसकी दुर्दशा के प्रति उदासीन है और डिडियर जो उसकी ओर से कोई भी बंधन खींचने से इनकार करता है लिसा जो अलगाव का अनुभव कर रही है कार्ला को रुजुल आडेकर नाम के एक भ्रष्ट राजनेता के साथ मुलाकात की याद दिलाती है जिसने अपराध सरगना वालिद शाह को एक विकास सौदे के लिए सागरवाड़ा झुग्गियों की जमीन देने का आवादा किया था कार्ला ने प्रतिद्वंद्वी सरगना अब्देल खादर खान को इसकी सूचना दी जिसे मूल रूप से जमीन देने का वादा किया गया था और खादर खान व्यक्तिगत रूप से आडेकर को उसके दोहरेपन के लिए मार डालता है लिसा के बचाव में अपनी भूमिका के लिए कार्ला लिन को भुगतान देता है कार्ला और बॉम्बे से निराश होकर लिन जाने की तैयारी करता है लेकिन एक संभावित हत्यारे ने उस पर हमला कर दिया जब लिन ने हत्यारे पर जलते हुए कोयले फेंके तो वह डर गया जिससे हत्यारे के कपड़े और पास की झोपड़ी में आग लग गई जिससे आग लग गई जो तेज़ी से फैल गई तीन अजीब साथी भरत नल्लूरी डेविड मैनसन और एरिक वॉरेन सिंगर और स्टीव लाइटफुट 14 अक्टूबर 2022। फ्लैशबैक से पता चलता है कि लिन को कैसे गिरफ्तार किया गया एक बैंक लूटने के बाद उसका साथी उसे हिरासत में लेने की कोशिश कर रहे एक अधिकारी को गोली मार देता है और लिन आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा करने के लिए पीछे रहता है सागरवाड़ा में आग से लड़ने में मदद करने के बाद लिन झुग्गी बस्ती के घायल निवासियों का उपचार करता है प्रभु की पड़ोसी लक्ष्मी एक बेटे रवि को छोड़कर बुरी तरह घायल हो गई है अगले दिन लोगों की भीड़ लिन से चिकित्सा सहायता के लिए विनती करती है और वह झिझकते हुए मदद करने के लिए सहमत हो जाता है आग शुरू करने में अपनी भूमिका के बारे में दोषी महसूस करते हुए लिन ने पुनर्निर्माण में सहायता के लिए कार्ला के पैसे सागरवाड़ा के मुखिया कासिम अली को दे दिए खादर खान वालिद शाह के साथ बैठने की व्यवस्था करते हैं जो यह स्पष्ट करता है कि ड्रग्स और सेक्स की तस्करी के प्रति खादर की अनिच्छा ने उन्हें कमज़ोर बना दिया है खादर ने शाह और आडेकर के बीच बैठक की मेज़बानी करने के लिए मैडम झो को धमकी दी और झो ने बदले में मॉरिजियो को खादर के क्षेत्र में हेरोइन बेचने के लिए धमकाया झुग्गियों में उसक वीरता के बारे में सुनने के बाद खादर ने लिन को एक बैठक में बुलाया और उसे अपने अधीनस्थ अब्दुल्ला के साथ बॉम्बे के एक रात के दौरे पर ले गया सागरवाडा लौटने पर रवि ने लिन को चाकू से धमकाया लिन खुद को लड़के के फ़ैसले के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार करता है लेकिन कासिम हस्तक्षेप करता है और रवि को अपनाने की कसम खाता है चार खराब दवाई इयान बी मैकडोनाल्ड बेन डुबाश 21 अक्टूबर 2022 अतीत में बैंक डकैती से जुड़े सबूतों की कमी के बावजूद लिन ने अपने मुकदमे में दोषी ठहराया वर्तमान में लिन सागरवाड़ा के लिए दवा खरीदने के लिए धन जुटाने का प्रयास करता है लिन और प्रभु एक पर्यटन व्यवसाय शुरू करते हैं लेकिन चिकित्सा आपूर्ति नहीं मिलने पर लिन चिकित्सा वस्तुओं के काले बाजार से जुड़ने के लिए खादर खान की ओर रुख करते हैं खादर ने अब्दुल्ला को लिन को आपूर्ति प्राप्त करने में मदद करने का निर्देश दिया लेकिन आपूर्तिकर्ता के साथ उनकी बैठक बिनती जा रही घर जाते समय अब्दुल्ला पर वालिद शाह के आदमियों द्वारा हमला किया जाता है और प्रतिद्वंद्वी रफीक द्वारा उसे लगभग चाकू मार दिया जाता है लेकिन लिन अब्दुल्ला को उसके हमलावरों से लड़ने में मदद करता है लिन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए खादर दवा का भुगतान करता है खादर की ओर से कारला आडेकर की जगह लेने वाले मंत्री आकाश पांडे से मिलती है हालांकि पांडे को शाह द्वारा पहले ही रिश्वत दी जा चुकी है जिसने धमकी दी है कि अगर खादर ने सागरवाड़ा का विकास जारी रखा तो गैंगवार हो सकता है लिसा कार्ला की देखभाल छोड़ देती है और मोडेना उसकी देखभाल करती है जो उसके अपार्टमेंट में हेरोइन के सामान को साफ करने में उसकी मदद करती है मोरिजियो लागोस के एक ड्रग डीलर रहीम को झो की एक किलोग्राम हेरोइन बेचता है पांच अपराध में पाप इयान बी मैकडोनाल्ड केन क्रिस्टेन्सन 28 अक्टूबर 2022 सागरवाड़ा में अब्दुल्ला ने सार्वजनिक रूप से लिन को उसकी जान बचाने के लिए रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल उपहार में दी जिससे झुग्गी के निवासियों में हलचल मच गई कार्ला ने खादर खान पर शाह के खिलाफ अपने संघर्ष में लिन को मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया खादर का कहना है कि लिन ध्यान भटकाने वाला है कविता झुग्गियों में लिन के घर पर रुकती है और वहाँ उसके कारनामों के बारे में एक कहानी लिखने का प्रयास करती है जब वह बिना अनुमति के उसकी तस्वीर लेती है तो वह उसका कैमरा पकड़ लेता है और फिल्म फाड़ देता है उसके रिकॉर्ड को देखते हुए उसे पता चला कि लिन ने देश में प्रवेश करने के लिए एक मृत व्यक्ति के पासपोर्ट का इस्तेमाल किया था कासिम ने दवा के लिए लिन को भुगतान करने के लिए एक संग्रह किया यह कहते हुए कि झुग्गी खादर का ऋणी नहीं हो सकती खादर निजी तौर पर उस जले हुए आदमी से मिलता है जिसने झुग्गियों में लिन पर हमला किया था और कासिम के पैसे लेकर लिन के आने से ठीक पहले उसे भेज दिया था प्रभु के आग्रह पर लिन देर रात कार्ला से मिलने जाता है जहां वह उसे अपने पिछले जीवन और ऑस्ट्रेलिया से भागने का इस सच्चाई बताता है और वह उसे अपने पिता की आत्महत्या के बारे में बताती है दोनों एक दूसरे को चूमते हैं लेकिन कार्ला रात को आगे बढ़ने से रोक देती है छह मुर्दा चल रहा है यान बी मैकडोनाल्ड मैरियन डेरे चार नवंबर 2022 लिन कविता को कहानी छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश करता है वह व्यक्तिगत रूप से सहमत है लेकिन उसने अपने संपादक निशांत द्वारा गुप्त रूप से उसकी तस्वीर खींच ली है मॉरिजियो की नई मिली संपत्ति कार्ला और लिसा के लिए सवाल उठाती है कार्ला अपने पूर्व प्रेमी अब्दुल्ला को बताती है कि मोरिजियो खादर खान के क्षेत्र में हेरोइन बेच रहा है लिसा ने मोडेना को यह खुलासा करने के लिए मना लिया कि जो ड्रग्स की आपूर्ति कर रहा है डिडेर को एक विवाहित व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध से भागते हुए गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया लिन जो कविता की जांच के सामने डिडियर के पासपोर्ट जाली कनेक्शन का उपयोग करने का इच्छुक है विक्रम की मदद से उसे जेल से बाहर निकालता है और डिडियर को स्वस्थ होने में मदद करने में रात बिताता है जबकि लिन डिडियर के साथ व्यस्त है पार्वती उसकी नैदानिक सहायक प्रभु के साथ डेट पर गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती है जो लिन की व्यर्थ खोज करती है सात आपो वै प्राण ब्रॉनवेन ह्यूजेस बोर्निला चटर्जी 11 नवंबर 2022 सागर वाड़ा सागरवाड़ा हैजा के प्रकोप से प्रभावित है जिससे पार्वती और कई अन्य लोग पीड़ित हैं पर्याप्त स्वच्छ पेयजल और दवा की कमी के कारण लिन एक बार फिर मदद के लिए खादर खान के पास जाता है खादर इस शर्त पर सहमत हैं कि उनकी मदद गुमनाम नहीं होगी कासिम के विरोध के बावजूद वह और अब्दुल्ला व्यक्तिगत रूप से आभारी झुग्गी निवासियों तक पानी पहुंचाते हैं हालांकि हैजा कई लोगों की जान ले लेता है पार्वती पूरी तरह से ठीक हो जाती है और प्रभु खादर के साथ लिन के व्यवहार से सावधान रहते हुए मदद के लिए आभारी हैं जलाहू अहत्यारा आकाश पांडे का पीछा करता है और उसे पता चलता है कि उसका निचली जाति के वैश्यालय कार्यकर्ता सुनीता के साथ संबंध है खादर ने वैश्यालय के मालिक से सुनीता को खरीदने के लिए झो पर दबाव डाला और झो ने अपनी ओर से उसे कैद कर लिया मोरिजियो की हेरोइन बिक्री को मजबूत करने के लिए लिसा रहीम के साथ एक रात बिताती है जिससे मोडेना को काफी निराशा हुई अब्दुल्ला ने मॉरिजियो को नशीली दवाओं का कारोबार बंद करने की चेतावनी दी आठ जैसे हैजा के समय में ब्रॉनवेन ह्यूजेस एरिक सवांगर 18 नवंबर 2022 लिन हैजा से बीमार पड़ जाता है और बेचैनी से याद करता है कि कैसे उसकी ऑस्ट्रेलियाई प्रेमिका जिम्मा एक धनी कार्यकर्ता जिसने उसे हेरोइन की लत लगाई थी ने उसकी गिरफ्तारी के बाद उसे छोड़ दिया था कार्ला लिन को स्वस्थ होने में मदद करती है लेकिन झो के विश्वलय में सुनीता से मिलने के लिए निकल जाती है सुनीता ने पांडे को फंसाने में मदद करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे उससे प्यार हो गया था मोडेना रहीम से धन एकत्र करता है जो अपने सहयोगियों के सामने मोडेना को छोटा कर देता है मॉरिजियो द्वारा मोडेना को अब्दुल्ला की धमकी के बारे में बताने के बाद दोनों ने झो और रहीम के साथ दोबारा दोस्ती करने हेरोइन को रहीम के पास लाने के बजाय पलटने और सब कुछ लेकर बॉम्बे छोड़ने का फ़ैसला किया हालांकि जब मॉरिजियो ने लिसा का अपमान किया तो मोडेना उनके लगभग सारे पैसे लेकर फ़रार हो गया रफ़ीक और वालिद शाह के लोगों ने सागरवाड़ा की ताज़े पानी की आपूर्ति को नष्ट कर दिया और खादर खान के साथ आगे के व्यवहार के ख़िलाफ़ चेतावनी दी लिन खादर और कासिम के बीच उठक बैठक कराता है खादर ने जमीन पर संपत्ति विकसित करने के अपने इराद के बारे में सफाई दी लेकिन वादा किया कि इस बीच वह सागरवाड़ा के निवासियों के स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगार में निवेश करेंगे जब रफ़ीक और उसके आदमी अगले दिन की पानी की खेप को नष्ट करने के लिए पहुंचते हैं तो सागरवाड़ा के निवासी उनसे लड़ते हैं नौ मुझे रहना चाहिए या मुझे जाना चाहिए ब्रॉनवेन ह्यूजेस ब्रूस मार्शल रोमन्स तेईस नवंबर 2022 हताश सुनीता पांडे को मदद के लिए बुलाती है और उसे विश्यालय से बाहर निकलने के लिए वालिद की रिश्वत के पैसे का उपयोग करने का आग्रह करती है कार्ला और अब्दुल्ला ने गुप्त रूप से बातचीत को रिकॉर्ड किया और वालिद के स्थान पर खादर खान की बोली का समर्थन करने के लिए उसे ब्लैकमेल किया बदले में कार्ला खादर से सुनीता की आजादी खरीदने के लिए कहती है और वह सहमति देता है रहीम और उसके लोग मॉरिजियो को ढूंढते हैं जो लिन पर न पहुंचाई गई हेरोइन का दोष लगाता है लिन बंबई छोड़ने की तैयारी करता है कार्ला को अलविद डिनर के लिए बाहर ले जाता है और उसके प्रति अपने प्यार का इजहार करता है कार्ला प्रतिक्रिया नहीं करती है लेकिन वह कविता को एक बेहतर कहानी के वादे के साथ अपनी कहानी छोड़ने के लिए मना लेती हैं दस दो कब्रें खोदने इयान बी मैकडोनाल्ड टेलीप्ले द्वारा आरोन स्प्रेचर अनुकूलन द्वारा मारिशा मुखर्जी दो दिसंबर दो हज़ार बाईस लिसा और कार्ला कविता को खादर खान की संलिप्तता को छोड़कर पांडे के साथ वालिद शाह के लेन देन की अधिकांश कहानी बताती हैं निशांत द्वारा फ़ैक्स की गई लिन की तस्वीर की खोज के बाद वैली नाइटिंगेल लिन के मामले को सौंपा गया ऑस्ट्रेलियाई जासूस बॉम्बे आता है हालांकि निशांत और कविता ने उसे रोक दिया है जिन्होंने कार्ला से वादा किया है कि वे लिन का रहस्य छिपा कर रखेंगे प्रभु की मदद से लिन और अब्दुल्ला रहीम का पता लगाते हैं और लिन की बेगुनाही पर हिंसक जोर देते हैं यह जानने पर कि वे खादर के सहयोगी हैं रहीम ने मॉरेजियो को छोड़ दिया लिन उस होटल में पहुंचता है जहां मॉरिजियो को रखा जा रहा था और उसे पता चला कि वह भाग गया है लिसा की मदद से वह मॉरिजियो को मोडेना के अपार्टमेंट में ले जाता है मॉरिजियो को पता चलता है कि यह कार्ला ही थी जिसने उसे खादर को सौंप दिया था और लिन ने उसे बाहर कर दिया यह महसूस करते हुए कि भारत आने के बाद से उसने उसके साथ छेड़छाड़ की है लिन ने घोषणा की कि वह कार्ला को फिर कभी नहीं देखना चाहता तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात करी इस जबरदस्त सीरीज के बारे में जो कि हमें एक तरह से नई सीरीज हमें नेटफ्लिक्स द्वारा देखने को मिली थी तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा आपका एक शेयर हमें मोटिवेशन देता है साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करने के साथ साथ आप जिस भी मूवी के बारे में जानना चाहते हो या सीरीज हो आप नीचे लिख सकते हैं बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में